मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिक्स चैप्टर जो है मैथ्स का, ऑपरेशंस ऑन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका डिस्कशन करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनके थ्रू जो हम लोग लाते हैं उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। जिसमें वेरिएबल वैसा टर्म होता है जो कि जिसकी वैल्यू चेंज कर सकती है, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब वेरिएबल्स है। और कांस्टेंट जिसका जो कि वैरी नहीं करता, जो चेंज नहीं करता है, जैसे 2, 4, 6, -10, ये सब जो है कांस्टेंट में आता है। इन्हीं को जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन से मिलाते हैं तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। तो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोगों को देखना है। तो एडिशन में जैसे कि ये जो है कॉमा से निकाला हुआ है, ये कॉमा है यहाँ पर, इसको इसको और इनको, इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ वहाँ एडिशन का साइन दे देना है। ये कॉमा है, यहाँ पे एडिशन यहाँ पे डाल दिया गया। फिर इसके बाद एंड है, तो यहाँ पे एडिशन, तीनों को चूँकि ऐड करना है, इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है, तो वही यहाँ पे ऐड, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिए, ठीक है। जहाँ पे एंड था वहाँ पे भी प्लस का साइन लगा दिए। अब लाइक टर्म्स को एक जगह करेंगे। लाइक टर्म्स जिसका वेरिएबल और वेरिएबल का पावर सेम होता है, तो यहाँ पे 6a - 4a और a, ये लाइक टर्म्स है, तो इसको एक जगह कर लिए। 8b, 2b और -3b लाइक टर्म है, इसको एक जगह कर लिए। -5c + c - 2c लाइक टर्म है, इसको एक जगह कर लिए। अब उसके बाद 6a में से 4a गया तो 2a + a, 8b + 2b - 10b, -3b बचा। -5c + c करेंगे तो -4c और -2c, 2a + a 3a, 10b में से 3b जाएगा तो 7b और -4c - 2c - 6c हो जाएगा। अब जैसे सब्ट्रैक्शन करना है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट ये फ्रॉम ये, मतलब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको नहीं, इसमें से इसको घटाना है। तो ये माइनस ये पूरा, क्योंकि माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट में इसको रखे हैं, पूरे को माइनस करना है। तो -± -± - -± + ठीक है। अब उसके बाद जो है वो फिर वही काम करना है, ये जो है लाइक टर्म को फिर उसी में यहाँ पे डायरेक्टली जैसे किए होते हैं 6a और -4a को लाइक टर्म को एक जगह करेंगे, -3b - 5b को एक जगह करेंगे और +c + 3c को एक जगह करेंगे, तो ये 2a आ जाएगा, ये -8b आ जाएगा और ये +4c। तो पहले लाइक टर्म को एक जगह कर लेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाला इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ के बढ़िया से, और तब इसको एक्सरसाइज 6a, ठीक है, एक्सरसाइज 6a जो है ये बना लेना है होमवर्क में, ठीक है। थैंक यू।